दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और स्वागत है आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फिलहाल बज रहे हैं 9:30, तारीख आज 1 अगस्त 2022। तो पहली बात तो आज हमारे स्वप्निल सर का बर्थडे है, हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं, तो उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। शायद आज उनका बर्थडे आज ही है, क्योंकि मुझे एक थोड़ा डाउट हो रहा है। तो अगर आज उनका बर्थडे है तो सर आपको हैप्पी बर्थडे टू यू, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, डेट बता देना, आपके बर्थडे विश कर देंगे। रहता आपका अगस्त में ही, अब 31 अगस्त को या 1 अगस्त को, ये मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। और आज हमारे घर में पूजा, इसलिए थोड़ा जल्दी उठ गए। और आप सोच रहे हो कि ये बेल्ट क्यों पहनी हुई है, मतलब कंधे पर लटकाई हुई WWF चैम्पियन की तरह। आज हमने जॉन सीना की टी शर्ट पहनी हुई है। और एक्चुअल में हमारे घर में पूजा है, बैक पेन होगा, बीच में मुझे पता है 1-1.5 घंटा बैठना पड़ेगा, शिव जी को दूध से नहलाना पड़ता है, तो इसलिए मैंने रखा हुआ है ये आपका बेल्ट। जब भी बैक पेन होगा इसमें पहन लूँगा, जिससे कि पूजा थोड़ा कंफर्टेबली हो जाए। भगवान से आशीर्वाद मांगेंगे कि गौशाला घोटाला खिलाफ, भ्रष्टाचार खिलाफ, सिस्टम खिलाफ लड़ रहे हैं, तो भगवान हमें आशीर्वाद दें, हमें हिम्मत दें। और चलो चलते हैं और पूजा कर लिया जाए, पंडित जी बैठे हुए काफ़ी देर से। बाल गोपाल जी की भी पहली पूजा होगी, ये हम अपने पास ऊपर रखते हैं, बहुत क्यूट लगे हमें ये। देखो तो रात को ये ग्लो भी करते हैं अंधेरे में ग्रीन कलर से, तो अभी तक इनकी पूजा नहीं हुई, तो अब इनकी पहली बार आज पूजा होगी। ये रही पूजा की व्यवस्था, ये रहे हमारे पंडित जी, ये रहे शिव जी, इनकी पूजा करना है। देखिए कितनी बढ़िया मूर्ति है, रात को चमकते हैं। अच्छा ये देखो दोस्तों, महावर भी लग गया हमारे, महावर ना बोलते हैं पंडित जी। हाँ ये देखिए, ये भी लग गया। अब ये 1.5-2 महीना रहेगा, नहीं हाँ नहीं जाता, ये नहीं। टैटू का भी बाप होता है। ये देखिए पंडित जी ने कितने अच्छे शिव जी बनाए हैं, साथ में नाग देवता भी है और उनकी दो आंख भी है, शानदार। ये देखिए पंडित जी ने, वो भी नंदी महाराज है ना पंडित जी, नंदी महाराज ही बनाया है पंडित जी। हम लोग को कमरा छोड़ के भागना पड़ा, इतना भयंकर धुआं हुआ यहाँ पे हवन के बाद में। इंतजार कर रहे हैं थोड़ा धुआं निकल जाए, तब फिर आगे पूजा कंटिन्यू हो। ये रहा मेरा प्रसाद, मुझे वैसे ही बहुत जोर भूख लगी थी पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमको प्रसाद दिया। पापड़ इसीलिए बनाया ही गया था कि जब तक थाली लग रही हो तब तक भूखा आदमी कम से पापड़ खा लेते, उस दवा। अब मम्मी सलाद भी मिलेगी ना, चलिए शुरू करते हैं। हमारा फेवरेट छोले और कोहड़ा की सब्जी, कोहड़ा है कि आलू है यार, समझ नहीं आ रहा। और बढ़िया रायता, इंजॉय हो जाएगा, बस वो और मिल जाए सलाद। तो हो गई पूजा, और हमारे बघेली में एक कहावत है कि खाए के पर रहा, मार के टर रहा। तो खा लिए, अब जा रहे हैं पढ़ेंगे और 1-2 घंटा मस्त सोएंगे, क्योंकि जानने वाले स्वप्निल सर क्या, पर हमारे स्वप्निल सर क्या भी पूजा है, इंतज़ार कर रहे थे वो पंडित जी का। तो मैंने बोला पूजा में काहे विघ्न डाला जाए, शाम को निकलेंगे तो स्वप्निल सर से कुछ पार्टी शार्टी लेंगे बढ़िया, और फिर तभी मिलते हैं। अभी जा रहे हैं यार सोने, नींद आ रही बहुत, क्योंकि सुबह के उठे और मस्त खा लिए पूरी तरकारी, अब सोएंगे। तो कल हमारे घर में पूजा थी और हमने पूजा पाठ किया। वैसे तो कल पूरा ब्लॉग बनाने का प्लान था, बट बैक पेन होने लगा था, थक गए थे, तो फिर क्योंकि सुबह से पूजा की तैयारी भी हो रही थी तो जल्दी उठ गए थे, तो फिर कल हमने कंटिन्यू किया। तो खैर आज क्या है कि जा रहे हैं प्रवाहित करने, विसर्जन करने। कल जो भी पूजा हुआ उसकी सामग्रियाँ और जो भी होता है, बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, मम्मी बताएंगी। तो जा रहे हैं बिछिया नदी, तो वहाँ पे प्रवाहित करेंगे। तो चलो चलते हैं, और सबसे पहले तो आज ये काम कर दिया जाए, और प्रभु की जो पूजा हुई है तो उनसे रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो अपन प्रवाहित कर देते हैं चल के बिछिया नदी में। और आज नागपंचमी भी है, तो आप सभी को हैप्पी नागपंचमी। और मम्मी हमारे बाल गोपाल को तुम किडनैप कर ली यार, हम ये ले जाएंगे इनको ऊपर, ये रात में चमकते हैं भाई, अच्छा लगता है हमें। आओ लो दोस्तों, हनुमान जी के दर्शन कर लो, बोलो जय श्री राम। हमने अभी तक अपनी घड़ी नहीं चालू की,
आजकल अपन बैटरी बचत करते हैं इसकी, तो रात में जब यूज़ नहीं हो रहा होता इसको, अब चालू हो गई। जा रहे हैं बिछिया नदी, तो कल जो पंडित जी ने मूर्ति बनाई थी मिट्टी वाली, शिवलिंग बनाए थे नंदी बाबा, और जो दूध जिससे भगवान को नहलाया गया था, तो वो सब जो है नदी में डिस्टर्ब कर देते हैं लोग हॉर्न वॉर्न बजा के, तो आदमी बोल ही नहीं पाता है, सारा कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है। तो बिछिया नदी में अपन जाके बहाएंगे उनको, प्रवाहित करेंगे, विसर्जन करेंगे, यार जो भी कहते हो, थोड़ा और फिर उसके बाद जाएंगे कुछ नाश्ता पानी करेंगे, क्योंकि भूख लगी है। घर में नाश्ता भी नहीं किया हमने, हमने बोला कि नहीं पहले प्रवाहित करेंगे, खाली पेट जाएंगे, जूठे पेट नहीं जाएंगे, जूठे मुंह मतलब, और उसके बाद फिर जाके कुछ खाएंगे बाहर, हमको भी खाने का बहाना चाहिए बाहर, तो कुछ प्लेन डोसा ही तो खाते हैं हमेशा, प्लेन डोसा खा लेंगे, प्लेन डोसा हमारा फेवरेट है। ये आ गई बिछिया नदी, ये तो बहुत गंदा है यार, इससे अच्छा वहां ना चल दें, जो बड़ी पुल वाली नदी है वहां चल देते, इससे हमारे प्राण निकल जाएगा हमारे यहाँ पे। ये नदी नहीं है, ये तो बहुत गंदा गंध आ रहा है यहाँ, कहाँ घुस जाऊं मैं, कहाँ घुस जाऊंगा, ना हो पाएगा मेरे से, मैं उस नदी चल रहा हूँ, चलो मेरे से ना हो पाएगा यार। ये बोल रहे हैं कि नीचे जाओ, वहां पे ज्यादा अच्छा घाट है, यहाँ पे तो बहुत गंदा आ रहा था। कंफर्म, ठीक है जाते नीचे। जा रहे हम दूसरे तरफ नीचे, जहाँ पे जा रहे हैं भैया जी साफ है, यहाँ तो बहुत ज्यादा गंदा था यार, हम ना कर पाते, और ऐसी गंदी जगह भगवान को। ए देख के गाड़ी जा रही है, देखें ये जगह कैसी है, ये जगह पहली बार मैं आ भी रहा हूँ, अच्छी लग भी रही है, साफ है उससे। तो इन भाई साहब ने हमारी हेल्प की, वरना लग रहा था कि हमें जाना पड़े, बड़ी पुल जाने के प्लान में थे हम, बोले अपना जा यहाँ तो ना कर पाएंगे, पर आपने मदद कर दी तो चलिए आसानी से काम हो गया। इतना आसान नहीं है, ये तो इसी से पलटना पड़ेगा।
बड़ा मेहनत का काम है यार। लब भरा है भाई ये। जब से मेहनत का काम होता है जितना कॉफी हाउस कुछ खाएंगे उसके बाद घर जाएंगे। पहली बार यहाँ नीचे आए हम, चलो अब चलते हैं। हमारा लेजनर अकेले खड़ा होगा वहाँ ऊपर। ये रहा हमारा लेजनर, थोड़ी देर अकेले खड़े करके इसको चले गए थे क्योंकि ये नीचे नहीं जा सकता था। जा तो सकता है वैसे, पर कहाँ हम अपनी गाड़ी का बाजा बजाएं। अब यहाँ पे गाड़ी कहाँ रख दें हम, अंदर तो जगह ही नहीं है। हो खाली है पूरा। सबसे शांत रेस्टोरेंट मुझे यही लगता है कॉफी हाउस। इत्मीनान से सुकून से बैठ के खाओ। कॉफी हाउस की एक चीज मुझे अच्छी लगती है, पानी मांगो तो टैप वाटर ला के रखते हैं। कुछ रेस्टोरेंट में जाओ तो मिनरल वाटर ला के रख देते हैं। अरे भैया नहीं पीना है, खाना खिला सकते हो तो पानी क्यों नहीं पिला सकते हो? हम नहीं पीना चाहते हैं मिनरल वाटर। और बिस्लेरी वगैरह तो फिर भी ठीक है यार, 20 रुपये मिलता है। कुछ वाटर आजकल जो मिनरल वाटर में 40 रुपये में मिलते हैं भाई, 40 रुपये का पानी उतना ही जितना बिस्लेरी 1 लीटर। तो मतलब आदमी पानी पी रहा है 40 रुपये का पानी, बिस्लेरी फिर भी ठीक है 20 रुपये का, समझ में आता। आओ दोस्त आइसक्रीम खाते हैं अब। मजा आ गया यार आइसक्रीम खा के, बहुत गर्मी वैसे भी इस बार। 11 और कुछ दिनों से टाइम नहीं दे पा रहे थे व्लॉग्स के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि भाई करप्शन खिलाफ़ भी लड़ रहे हैं तो इतना इजी नहीं होता है। और करप्शन के खिलाफ जो लड़ रहे हैं अभी हम उसके व्लॉग्स डालना नहीं चाह रहे, क्योंकि आपके जो दुश्मन है, आपके जो विरोधी है, उसको आपकी चाल के बारे में नहीं पता चलना चाहिए, अगले स्टेप के बारे में। तो इसलिए हम नहीं डाल पा रहे, पर टाइम बाद देना पड़ रहा है इसलिए ब्लॉग्स नहीं बना पा रहा है। तो देखिए बीच से बनाते रहेंगे यार, क्योंकि करप्शन के खिलाफ जो लड़ाई है वो ज़्यादा ज़रूरी है और हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि हम ये ढोंग देख देख के ना ऑनलाइन ये सोशल मीडिया में गवर्नमेंट का थक चुके हैं, तो हमने फैसला किया हम लड़ेंगे निडर होकर। तो इसलिए थोड़ा टाइम उसमें ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो चलो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक ले बाय। Good day and please do subscribe my channel.